इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट? बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का हिंदी होता है, बाइनरी का हिंदी होता है जोड़ा, डिजिट का अंक यानी जोड़ा अंक या दोहरा अंक। तो बाइनरी डिजिट होता क्या है? तो बाइनरी डिजिट कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। जैसे हम लोग का लैंग्वेज है, हम लोग का भाषा है हिंदी और इंग्लिश, मतलब हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो बाइनरी डिजिट यानी जीरो और वन है। जैसे कंप्यूटर में को हम जो भी आदेश देते हैं काम करने के लिए, इनपुट हो चाहे माउस के द्वारा, चाहे कीबोर्ड के द्वारा, चाहे कुछ भी, तो वो कन्वर्ट करता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को अपने जीरो और वन के लैंग्वेज में। फिर जीरो और वन के लैंग्वेज में ही वो परिणाम ढूंढता है अपने ही लैंग्वेज में, ऑफकोर्स ढूंढने का। उसके बाद जब उसको परिणाम मिलता है तब हमें हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दोबारा हमें परिणाम देता है। ये सिस्टम इतना फास्ट होता है, इसमें कुछ चंद सेकेंडों या सेकेंड से भी कम, मिनी सेकेंड का इसमें वक्त लगता है और तुरंत तुरंत ये काम होता है। बाइनरी डिजिट यानी जीरो और वन, कंप्यूटर में जितना डेटा आप सेव करते हैं, जितना डेटा या प्रोग्राम उसमें सेव होता है, कंप्यूटर का हर सॉफ्टवेयर जीरो और वन के रूप में, हर कोड जीरो और वन के रूप में।